सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल कटारिया सिस्टर्स में। आज इस वीडियो में हम क्रॉप टॉप बनाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। सबसे पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। 12 साल की लड़की के लिए बनाएंगे। टॉप की लेंथ है 12, स्लीव्स लेंथ है 18, मोहरी है 6 इंच, बस्ट है 27 इंचज और कमर है 25 इंचज। ये हमने टाफेटा फैब्रिक लिया है जो कि 1.5 मीटर है, क्योंकि इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है। सबसे पहले हम टॉप की लेंथ का निशान लगाएंगे। टॉप की लेंथ हमें 12 इंचज रेडी करनी है। हम क्रॉप टॉप की लेंथ रेडी करेंगे। इसमें हमें लगभग 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए निशान लगाना है। अब इसको हम सीधा कट करेंगे। फैब्रिक के हमारे पास 2 लेयर्स हैं। अभी हमें इसकी चौड़ाई का निशान लगाना है। जितनी भी हमारी बस्ट है उसमें हम लगभग 5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। बस्ट का हाफ करके उसमें हमें 5 इंचज एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है चौड़ाई के लिए। इसको भी हम सीधा कट करेंगे। इस तरह से हमें टॉप की लंबाई और चौड़ाई लेनी है और फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है। अब हम शोल्डर की चौड़ाई का निशान लगाएंगे जो कि 5.5 इंचज है। शोल्डर के लिए हमने अलग से वीडियो अपलोड की हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लें। लेंथ भी हम 5.5 ही लेंगे आर्म होल की। यहाँ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है शोल्डर के लिए, क्योंकि हमारा जॉइंट आएगा जहाँ पे हम फ्रिल से अटैच करेंगे, जिससे हमारा 1 इंच फैब्रिक कम हो जाएगा। फिटिंग में हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है जो कि हमने कटिंग में ही लिया हुआ है। 1 इंच हम आर्म होल की गोलाई करेंगे। अभी करनी है हमें इसकी कटिंग। एक पार्ट को हम अलग करेंगे। अभी यहाँ पे हमें कमर का 4th पार्ट लेना है। अभी इसका हाफ करेंगे जो कि 3.2 होगा। ऊपर तक हमें सेम निशान लगाना है। अभी इसको हम सीधा कट करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसके हमने 3 पीसेस किए हैं और बैक पार्ट हम लेंगे और उसके भी हमें इसी तरह से 3 पीसेस कट करने हैं। देखिए हमने ये 3 पीसेस कट कर लिए हैं। अब सेम लाइनिंग कट करके लाइनिंग को हमें इनके साथ अटैच करना है। लाइनिंग को हमने सभी पीसेस के साथ अटैच कर लिया है और अभी हम शोल्डर अटैच करेंगे। इस तरह से हम सभी पार्ट्स को अच्छे से मिलाते हुए शोल्डर पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर पर हमने सिलाई लगा ली है। अब ये कुछ इस तरह से आएगा। उसके बाद हम बचा हुआ फैब्रिक लेंगे। इसमें से हमें 2 सर्कल कट करने हैं फ्रिल्स बनाने के लिए। अभी देखिए ऊपर हमने 12 इंचेस का टॉप रेडी करना है। यहाँ से हम नीचे से ऊपर की तरफ 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो फ्रिल्स की लेंथ है वो 9 इंच आएगी। इस तरह से हमें 9 इंच का डबल करके निशान लगाना है 18, और इसमें हम 1 इंच और एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे मोड़ने के लिए। इसको हम सीधा कट करेंगे। फैब्रिक को हमें कुछ इस तरह से मोड़ना है। अब हमारे जो फैब्रिक की लेंथ है वो है 9.5 इंचेस। इसी तरह से हम निशान लगाएंगे सेम लेंथ का निशान।
ये निशान हम बंद वाली साइड से लगा रहे हैं, जो ओपन वाली साइड है वहाँ से हमें इसे कट करना है। अभी देखिए ये हमारे दो सर्कल कट हो गए हैं। सर्कल को हम सेंटर से सीधा मोड़ेंगे, सेंटर में हमें निशान लगाना है और यहाँ तक हमें एक कट लगाना है। पूरा सर्कल कट नहीं करेंगे, हाफ सर्कल ही हमें कट करना है। दूसरे सर्कल को भी हम इसी तरह से हाफ कट करेंगे। उसके बाद हम टॉप के पार्ट्स लेंगे और इसे हमें यहाँ पे अटैच करना है जो हमने कट बनाया है। ये कट शोल्डर पर आएगा, जो शोल्डर का जॉइंट है। ये हमने पीको के लिए फूट लिया है, इससे हम बारीक मोड़ेंगे सर्कल को। देखिए इसी तरह से हम पूरे सर्कल को बारीक मोड़ लेंगे। सर्कल को हमने पूरा मोड़ लिया है, अब इसे हमें अटैच करना है। 9 इंच पर हमने जो निशान लगाया था वहीं से हम इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और जो हमारा ये कट है इसको हम शोल्डर पर अच्छे से मिला लेंगे। एक साइड हमने अटैच कर ली है, दूसरी तरफ भी हम सर्कल को इसी तरह से अटैच करेंगे। ये हमारा सेंटर पार्ट है। कट को हम शोल्डर पर अच्छे से मिलाते हुए इसे भी अटैच करेंगे। देखिए दोनों साइड्स को हमने अच्छे से अटैच कर लिया है। सेंटर पार्ट पर हम सीधी लेस लगाएंगे। ये हमने जो लेस ली है इसकी हम रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखेंगे। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से सीधी लेस अटैच करनी है। इस तरह से हमारी लेस अंडरग्राउंड लगेगी और चुभने का डर भी नहीं होगा। अभी आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ राइट साइड है, इसको हम इस तरह से मिला लेंगे और हमारी जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ जाएगी। इसके ऊपर हमें सीधी सिलाई लगानी है। ध्यान रखना है ये सिलाई हमने उसी सिलाई के ऊपर लगानी है जहाँ पे हमने लेस अटैच की थी। अब दूसरी साइड को भी हम इसी तरह से अटैच करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बोट नेक बनाएंगे। बैक और फ्रंट नेक हम एक साथ ही बनाएंगे। यहाँ पे जो हमारे बोट नेक की चौड़ाई होगी वो होगी 5.5 इंचेस और लेंथ में हम इसे लगभग 3 इंचेस ही रखेंगे, जो कि दोनों मिलकर हो जाएगा 6 इंच।
नेक बनाने के लिए हमने ये बुकरम ली है। इसको हम अच्छे से मोड़ लेंगे। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है दोनों नेक एक साथ ही बनाएंगे, तो हमें दोनों नेक के लिए ही बुकरम लेनी है। नेक की चौड़ाई हम रखेंगे 5.5 और नेक की लेंथ हम रखेंगे लगभग 6 इंच। बोट नेक ड्रॉ करेंगे। अभी करनी है हमें नेक की कटिंग। देखिए हमारे बैक और फ्रंट नेक कट हो गए हैं। नेक की जो लेंथ है वो है 6.5 और चौड़ाई है 5.5 इंचेस। यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे, ये हमारा शोल्डर पर आएगा। फैब्रिक की रॉन्ग साइड हम नेक को अटैच करेंगे। अभी हमें करना है एक्स्ट्रा फैब्रिक कट। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मोड़ते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारे शोल्डर का जॉइंट है और जो हमने दोनों साइड निशान लगाए थे वो हमारे शोल्डर पर आएंगे। नेक को हम इस तरह से मोड़ते हुए सेंटर में हमें एक कट लगाना है। नेक को अच्छे से सेंटर में मिला लेंगे। अभी हमें लगानी है नेक के ऊपर सिलाई। ये सिलाई हम बुकरम के ऊपर नहीं लगाएंगे, बिल्कुल किनारे के पास हमें ये सिलाई लगानी है। पूरी गोलाई में हमने सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट करना है। अभी लगाएंगे छोटे छोटे कट। नेक को रॉन्ग साइड टर्न करते हुए इसके ऊपर हमें बड़ा टका करके सिलाई लगानी है। बाद में हैंड स्टिच करके हम इस सिलाई को निकाल देंगे। नेक पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें स्लीव्स अटैच करनी है। जिस तरह से हम सिंपल स्लीव्स अटैच करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पर भी स्लीव्स को अटैच करना है। हमने स्लीव्स कट कर ली है। यहाँ पे हमने आर्म होल की जो चौड़ाई है वो 8 इंच ली है। लेंथ हमने ली थी 5.5, लगभग 2 इंच हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है और लेंथ आपको जितनी भी रेडी करनी है उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। और आर्म होल की जो गोलाई की है वो लगभग 3 इंच तक की है। मोहरी वाली साइड को हम मोड़ेंगे और उसके बाद हमें आर्म होल अटैच करना है। पहले हमें लगाना है स्लीव्स की लेंथ का निशान और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को रॉन्ग साइड टर्न करते हुए इसके ऊपर सिलाई हमें लगानी है। यहाँ से हम शोल्डर से टॉप की लेंथ का निशान लगाएंगे जो कि 12 इंचेस है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को रॉन्ग साइड टर्न करते हुए सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी हमें लेंथ का निशान लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक को मोड़ना है। फ्रिल्स को अंदर अच्छे से मिलाते हुए अलग करना है, फिटिंग में नहीं आनी चाहिए। यहाँ से हम फिटिंग करेंगे, स्लीव्स की फिटिंग भी हमें साथ ही करनी है।
दोनों तरफ हम फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद हमारा टॉप रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं नेक पर हमने तीन जो पैच है वो अटैच किए हैं। अपनी पसंद से आप टॉप को डेकोरेट कर सकते हैं। टॉप हमारा बनकर रेडी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।